हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस के पेजेस के ऊपर बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं दो दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ इशू ऑफ माय लैपटॉप। अभी भी मेरे लैपटॉप के चार्जर का इशू है। लैपटॉप की बैटरी जो है उसकी चार्ज नहीं होती एंड मैं डायरेक्ट प्लग इन करके लैपटॉप पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी एफर्ट पसंद आई होगी, सो प्लीज़ पे एक वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस के पेजेस के ऊपर बात करेंगे कि आप लोग वर्डप्रेस के पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस को आप लोग मेन्यूज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कैटेगरीज के ऊपर भी आप लोगों को मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी बताऊँगा कि आप लोग कैटेगरीज के किन किन तरीक़ों से आप लोग कैटेगरीज का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डीप में आप लोगों को आज मेन्यूज़ के ऊपर हम लोग आज डीप डाइव करेंगे, मेन्यूज़ के ऊपर, पेजेस के ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर, टैग्स के ऊपर, फूटर में कैटेगरीज, मतलब कि सब कुछ मैं आप लोगों को ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एंड ये हम लोग प्रैक्टिकली मेन्यू भी क्रिएट करेंगे। एंड उसी वेबसाइट वगैरह मैंने ओपन की हुई है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है इस वर्डप्रेस कोर्स का, फर्स्ट कोर्स का फर्स्ट पार्ट है। वर्डप्रेस कोर्स मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट किया है एंड ये कोर्स का फर्स्ट पार्ट है जिसपे हम लोग ये वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ये वाली वेबसाइट, ये देखिए मेन्यूज मैं होवर कर रहा हूँ इन पे एंड ये नीचे साइड पे ब्यूटीफुल सा, ये देखिए बहुत मतलब कमाल का वेबसाइट का डिज़ाइन है। ये मेरे चैनल का लोगो भी है। मैंने सोचा चलो अपने चैनल पर ही एक वेबसाइट बना लेते हैं। मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है यार, बहुत ज़्यादा। एंड इसको मैंने खुद क्रिएट किया इस डिज़ाइन को। आई होप कि आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आएगा। तो ये डिज़ाइन हम लोग इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्रिएट करेंगे। आज हम लोग वर्डप्रेस के पेजेस के ऊपर बात करेंगे। कोई मसला हो आप लोगों को आज की इस वीडियो में, सो प्लीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। आई एम हेयर फॉर योर हेल्प, मतलब कि फॉर हेल्पिंग यू। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी भी क्या, मैं इसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेजेस के ऊपर बात करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। हम लोग ये मेन्यूज भी क्रिएट करके देखेंगे। ये एक्चुअली नहीं टेस्ट साइट है, इसको मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हम लोग कोर्स के फर्स्ट पार्ट में क्या बिल्ड करेंगे। एक्चुअली नहीं, उनसे हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हम ना अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअली वर्डप्रेस में अब तक इंट्रोडक्शन देखा वर्डप्रेस का। एंड इसके अलावा वर्डप्रेस पे हमने इंट्रोडक्शन देखा वर्डप्रेस का। एंड वर्डप्रेस पे हमने अपनी वर्डप्रेस साइट पे, ये हमारी वर्डप्रेस साइट है, हमने इस पर एक थीम इंस्टॉल की थी, एस्ट्रा थीम। एंड इसके अलावा हमने कुछ सेटिंग्स भी देखी थी वर्डप्रेस के, सेटिंग्स के रिलेटेड हमने कुछ देखा था। सो अब तक आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो लाजमी जाकर इसको वॉच कर लें। आज हम लोग अपने वर्डप्रेस का होम पेज भी साइन करेंगे एंड ब्लॉग पेज भी एंड पेजेस के मैनेज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, मतलब कि टोटल डीप डाइव पेजेस के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। कोई मसला हो तो प्लीज़ लाजमी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूँगा। कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा एंड लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हमारी वर्डप्रेस साइट है जो लेटेस्ट, मतलब कि जिस पे हमने काम किया था। इस पे अभी तक हमने बस थीम इंस्टॉल किया, एस्ट्रा थीम। एंड मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने फेसबुक पे पोस्ट अपलोड की थी कि मैंने एस्ट्रा थीम पे वीडियो अपलोड किया, तो कुछ भाई कह रहे थे कि एस्ट्रा थीम वर्डप्रेस पे अब बंद कर दी गई है। मैं एक्चुअली ये थीम यूज़ करने का मकसद मेरा ये है ताकि आप लोगों को वर्डप्रेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि वर्डप्रेस पे हम लोग कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बाद में आपकी मर्ज़ी, मैं कौन सा ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी। आपने जो सी थीम यूज़ करनी है, या एक्स्ट्रा थीम यूज़ करने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को वर्डप्रेस की अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोग वर्डप्रेस कैसे थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी थीम है इसको, ये बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। दैट्स व्हाई मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा थीम को। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पेजेस के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेन्यूज़ नज़र नहीं आ रहे एंड वो प्रीवियस वेबसाइट में वहाँ पर मेन्यूज़ नज़र आ रहे थे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मेन्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने डैशबोर्ड की तरफ चल जाता हूँ। डैशबोर्ड पर कैसे जाते हैं, आप लिखना wp/admin, आप लोगों ने लिखना है। ये बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे यूज़र नेम में पासवर्ड मांग रहा है मेरा, मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ एंड पासवर्ड भी डाल देता हूँ भाई। या आई थिंक यही पासवर्ड था, उम्मीद है मुझे यही पासवर्ड था। होज भी जा, एक तो ये लॉगिन होने में टाइम लगता है। पिछली बार भी मैंने ऐसे करके कुछ लॉगिन किया था। यस, पहुंच गया भाई डैशबोर्ड पे। एक्चुअली वहाँ से ना रीडायरेक्टिंग होने में ज़रा टाइम लग रहा था, दैट्स वाई मैंने न्यू टैब में दोबारा ये wp/admin ओपन किया। डायरेक्ट डैशबोर्ड में इसलिए किया बिकॉज हमने लॉगिन कर लिया हुआ है, वहाँ पे रीडायरेक्ट होने में ज़रा टाइम लग रहा था। एंड वांट टू हेल्प नेगास्ट्रेवन मोर सम अलो कॉन्टेंट नोट्स, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसको क्रॉस कर देता हूँ। एंड एलिमेंट्री ओवरव्यू, ऐसे देखा जाए तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं एलिमेंट्री ओवरव्यू की।
इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे पोस्ट से इसके मुताबिक मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, पेजेस आज हम लोगों ने क्रिएट करने हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे। पेजेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, तो ये तमाम पेजेस मतलब कि डायरेक्ट ये ऑल पेजेस पे रीडायरेक्ट होता है डिफॉल्ट, मतलब कि जितने आप लोगों ने पेजेस क्रिएट किए हैं वहीं यहाँ पे शो करेगा। अभी ट्रैश कितने पेजेस मतलब कि मैंने डिलीट कितने पेजेस किए हैं, 2 पेजेस। अब मतलब कि वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुए, वो अभी ट्रैश के आइकन पे चले गए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उनसे मैंने पेजेस डिलीट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं इनको परमानेंटली पहले तो डिलीट कर देता हूँ। सो परमानेंटली मैंने डिलीट कर दिया एंड यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पेज मुझे चाहिए होम, होम का पेज, फिर सर्विसेज का, फिर सर्विसेज मैंने 2 सर्विसेज ऐड करनी है, फिर होम ब्लॉग्स अबाउट अस एक्सेट्रा। होम ऐड कर लेता हूँ, फीचर्ड इमेज नहीं, पेज एट्रीब्यूट नहीं, आपको लोगों को मैं सब कुछ समझा देता हूँ। एंड ये पेज पे नो साइड बार, कस्टमाइज फुल विथ कंटेंट, एंड इसके अलावा कस्टमाइज सेटिंग्स देखा है तो सब सही है। एंड यहाँ से ऑप्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ यस, प्री पब्लिश मैंने पहले से किया हुआ है, सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेटस एंड विजिबिलिटी यस, अगर आप लोग चाहते हैं कि पेंडिंग रिव्यू मतलब कि अभी ना ये पेज विजिबल हो तो आप लोग इस पर आकर छेड़खानी कर सकते हैं। ये पब्लिक की जगह आप लोग प्राइवेट भी अपने इस पेज को रख सकते हैं। एंड इसके अलावा फीचर्ड इमेज, अगर आप लोग अपने पेज पे कोई इमेज के साथ, पेज के साथ कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पेज के साथ इमेज भी डाल सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कोई पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर को आप लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेकिन फीचर्ड इमेज ही ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर प्राइवेसी पॉलिसी के साथ कौन फीचर्ड इमेज यूज़ करेगा। देख तो यहाँ पे देखें होम पेज के साथ कौन फीचर इमेज यूज़ करेगा। आप एलिमेंटर के थ्रू इस पेज को ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे करेंगे अपने इस कोर्स में। कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोग एलिमेंटर के थ्रू ही अपने इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोग कैसे एलिमेंटर प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी यूज़ का मैंने बताया था कि किस लिए यूज़ होता है। एंड मैंने इंस्टॉलेशन का मेथड बताया था कि आप लोग कैसे प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। सो आज ये डिस्कशन इसको अलो कमेंट्स, यही कि मैं कमेंट्स अलो नहीं करना चाहता। सो मैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सब पेज है इस पर लोग कमेंट कर सकें, सो आप लोग ये अलो कमेंट्स को टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टिक नहीं करता इसको मैं। सो ठीक है। एंड पेज एट्रीब्यूट्स किधर तोड़ गई, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसको रहने देते हैं। एलिमेंटर के मतलब कि कुछ कैड एलिमेंटर कैनवास ही मैं जानता हूँ, ये आप लोगों को मैं जब एलिमेंटर के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये एक्चुअली डिज़ाइन चाहता है कि आप लोग अलहदा से मतलब कि पेज भी पूरी मतलब कि वेबसाइट क्रिएट करें, ऐसा कुछ टाइप चाहते हैं। हम लोग जब एलिमेंटर के ऊपर डीप डाइव करेंगे तब मैं आप लोगों को इसके मतलब बताऊंगा। ये वहाँ पे एलिमेंटर कैनवास सिलेक्टर का वहाँ पे ये सारा का सारा टॉपिक आ जाता है। तो डिस्कशन को हम लोगों ने अलो कमेंट्स नहीं करने, ये फीचर इमेज भी नहीं चाहिए, पेज सेटिंग्स, पेज एट्रीब्यूट में नहीं, सॉरी एक्स्ट्रा सेटिंग्स नो साइड भैया। यहाँ पे साइड का मतलब कह रहा है मुझे, एक्चुअली मेरे पेज के यहाँ पे साइड बार के मतलब कह रहा था। तो ये कस्टमाइज सेटिंग आई थिंक पहले डिफॉल्ट पे था, लेफ्ट साइड पे आई थिंक राइट साइड पर था डिफॉल्ट, लेकिन मुझे कोई साइड बार नहीं चाहिए अपने पेज में। मैं चाहता हूँ कि होम पेज जो सही फुल विथ पे हो, ये फुल विथ पे हो जाएगा। आप देखें पेज सेटिंग्स में मैंने नो साइड बार कह दिया, एंड यहाँ पे कंटेंट लेआउट में मैंने कह दिया फुल विथ कंटेंट, फुल विथ कंटेंट, कंटेंट क्या करेगा जरा साइड साइड से मार्जिन दे देगा, दैट्स व्हाई मैंने फुल विथ कंटेंट कह दिया। एंड डिसेबल टाइटल, यस मुझे टाइटल नहीं चाहिए पेज के टॉप पे, मुझे टाइटल नहीं नज़र आना चाहिए, बिकॉज मैंने डिसेबल टाइटल इसलिए क्लिक किया है कि जब मैं अपने पेज को पब्लिश करूँगा या इस पेज को मैं होम पे असाइन करूँगा तो ये अगर टॉप पे टाइटल दिखाएगा मेरे पेज का। मैं ऐसा करता हूँ इसको ना अभी अनटिक कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। डिसेबल टाइटल को मैंने अनटिक कर दिया। एंड ये डिसेबल फूटर, नहीं मुझे पेज का फूटर नज़र आना चाहिए तो मैं इसको डिसेबल नहीं करूँगा एंड मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये मेरा पेज पब्लिश हो गया। एक्चुअली एक और चीज़ आप लोगों को मैंने बतानी है, ये पहले से एक्चुअली इस पर अप्लाई हुई है, आई थिंक नहीं अप्लाई हुई है। ये ऑप्शन पर जब आप लोग जाएंगे 3 डॉट्स पर क्लिक करके, अब जब आप लोग ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखें प्री पब्लिश चेक्स, इसको आई थिंक हम लोग टिक करते थे। एक्चुअली मैं इस पर ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। या ये प्री पब्लिश, यस देखिए पहले से आई थिंक डिफ़ॉल्ट आपके पास से टिक हुआ होगा, आपने इसको अनटिक कर देना है। फिर क्या करोगे जब आप लोग यहाँ पे अब एक बार पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, वरना टू स्टेप्स आप लोग करने पड़ेंगे तो ये फिर जाके ये पब्लिश होगा। ये पहले आप लोगों को पब्लिश करना पड़ेगा, फिर डन ऐसा करके कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो आप लोगों ने यहाँ पर डॉट्स लगा के ऑप्शन लगा के हमें प्री पब्लिश को चेक्स को अनटिक कर देना है, ठीक है। फिर जैसे ही आप लोग पब्लिश का बटन दबाएंगे आप लोगों का ये पेज उसी वक्त पब्लिश होगा, मतलब कि एक ही स्टेप पर पब्लिश हो जाएगा, आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। एंड अब आप लोगों ने करना, हमारा पेज पब्लिश भी हो गया है। सो मैं इसको दोबारा यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये देखेंगे आज पेज पर हमारा होम पेज आ गया है। एंड मैं न्यू पेज ऐड करता हूँ, होम ब्लॉग्स, होम ब्लॉग्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स एंड सर्विसेज, मुझे ये पेजेस चाहिए। मैं सर्विसेज का बना देता हूँ, सर्विसेज का बना लिया। मुझे सर्विसेज में भी कोई साइड बार नहीं चाहिए,
एंड ये फुल विथ कंटेंट होना चाहिए एंड पब्लिश कर देता हूँ मैं। डिसेबल टाइटल मैंने कुछ भी नहीं किया बिकॉज हम लोग इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ होम पेज के साथ काम करेंगे, हम होम पेज को डिज़ाइन करेंगे, सर्विसेज नहीं करेंगे, ब्लॉग्स नहीं करेंगे। ये जब हम लोग आपको CMS वगैरह बनाएंगे तो हम लोग तब ये ब्लॉग्स वगैरह के साथ काम कर लेंगे एंड अपने सर्विसेज का पेज भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाएंगे। हम लोग फॉर्म्स के ऊपर देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड वर्डप्रेस के एक्जैक्टली जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस के फॉर्म का जैसा होता है एलिमेंटर प्लगइन के अंदर एक वर्डप्रेस फॉर्म का एक फीचर होता है हम उसको भी देखेंगे। जो हम मैं एलिमेंटर प्रो का कुछ बंदोबस्त कर लूँगा एंड यहाँ पर सर्विसेज डाल देता हूँ। मेरी जो सी वेबसाइट में वेब डेवलपमेंट की एक सर्विस होनी चाहिए, एक वेब डेवलपमेंट, यस ठीक है, मुझे इस पर भी कोई साइड पड़नी चाहिए। वैसे देखा जाए तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं करना इस पेज को, सो मैं इसको सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। यस ठीक है, एक वेब डेवलपमेंट की सर्विस होनी चाहिए एंड एक न्यू सर्विस ऐड कर देता हूँ, वो होनी चाहिए वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डिज़ाइनिंग, एंड मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। एंड मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, सर्विसेज हमारी असाइन हो गए, देखें ये पेजेस हमारे क्रिएट हो गए। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग्स का पेज, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारा ये ब्लॉग्स का भी पेज क्रिएट हो गया। एंड इसके अलावा अब मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर देता हूँ, ब्लॉग्स अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज रहता है। ये दो पेजेस भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों के तमाम की तमाम सेटिंग्स की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, जो सी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आज एक्चुअली शाम के वक्त, ये मैं वीडियो सुबह के वक्त शूट कर रहा हूँ 7 बजे, मैं शाम को मुझे दोबारा आज मैंने दोबारा वीडियो अपलोड करनी है बिकॉज मैंने 2 दिनों से कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया, तो आज भी एक वीडियो अपलोड नहीं है, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर ही बननी है। आई थिंक आज की वीडियो में मैं कस्टमाइजेशन करूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में। सो कोई मसला हो तो आप लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आज शाम को जिनसे मैंने वीडियो शूट करनी है मैं उस पर आप लोगों को लाजमी रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस का एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ये पेज भी मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वेब वर्म जो सी वेबसाइट का मैंने नाम रखा हुआ है, सो देखें जाके कोई फ़र्क नहीं। एक मिनट, ये क्या भाई, हाँ ये मैंने पेजेस क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मेन्यू बन गया। तो मैं करता हूँ, देखें अब मैंने इस मेन्यू को ज़रा असाइन करना है ब्यूटीफुल तरीके से, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं। मतलब कि पेजेस डिफॉल्ट मैंने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे उसने उन पेजेस को ही एक्चुअली मेन्यू जैसे असाइन कर दिया। उसने यह नहीं पूछा कि भैया आप इसको मेन्यू असाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते इन पेजेस को, इससे पहले इस बंदे ने, इस थीम ने पहले ही इन पेजेस को मेन्यूज़ में असाइन कर दिया है। सो मैं करता हूँ थीम्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखें मेन्यूज़ का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, आप लोग नहीं करना है साइड बार पे अपीयरेंस के आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, अपीयरेंस का टैब मिलेगा, आप लोग उस पर होवर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मेन्यूज़ का बटन मिलेगा। तो यहाँ पर मेन्यूज़ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये मेन्यूज़ के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप लोगों ने अपना मेन्यू क्रिएट करना है। मैं मेन मेन्यू के नाम से अपने एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। मेन्यू क्रिएट करना है बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्यूटीफुल तरीके से मेन्यू शो करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। मेन्यू मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेजेस में डाल देता हूँ, ये मुझे तमाम के तमाम पेजेस चाहिए तो मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ यहाँ पे ऐड टू मेन्यू। अगर आप लोगों को इसमें से कोई पेज नहीं चाहिए तो आप इसको वन टिक कर दें, आपका पेज वो नहीं सिलेक्ट होगा। अभी मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ एंड अभी देख आई थिंक ऐसे कैसे ही रहेगा, देखें ऐसे कैसे ही है बिकॉज मैंने इस मेन्यू को एक्चुअली अपना मेन मेन्यू असाइन नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे जो सा मेन्यू शो होना है उसको मैंने अभी ये मेन्यू असाइन नहीं किया, दैट्स वाई ये अलाइनमेंट यहाँ पे शो नहीं है। देखें यहाँ पे अबाउट अस पहले, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पहले, ये मसला है। देखें तो मैं करता हूँ होम पेज मुझे टॉप पे चाहिए एंड उसके नीचे देखें मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैं अपने मेन्यूज़ की अलाइनमेंट कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा मेन्यू का कौन सा लिंक पहले चाहिए, कौन सी बाद में चाहिए, मुझे होम पेज पहले चाहिए। आई थिंक होम सर्विसेज ब्लॉग्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, यस सर्विसेज मुझे होम के बाद चाहिए एंड सर्विसेज में वेब डेवलपमेंट। अब देखें मैं सर्विसेज का एक्चुअली ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, सर्विसेज पे होवर करो, नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाए, लिस्ट से एक वेब डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक वेब डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। सो क्या करूँगा, वो सर्विसेज के अंदर आ रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, देखें पहले वेब डेवलपमेंट देखें दिल्ली जाऊँगा, देखें एक कदम आगे ये वेब डेवलपमेंट, देखिए सब मेन्यू आइटम यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, तो ऐसे ही वेब डिज़ाइनिंग को आप लोगों ने ऊपर लेकर आना है एंड देखें सही तरीके से अगर आप इसको आगे कर देंगे ना वेब डिज़ाइनिंग को, तो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट के सब मेन्यू बन जाएगा, वेब डेवलपमेंट का सब मेन्यू बन जाएगा। तो हमें इसका वेब डेवलपमेंट का सब मेन्यू नहीं बनाना, हमें सर्विसेज का बनाना है। तो मैं इसको एक कदम पीछे कर देता हूँ, ठीक हो गया, देखें दोनों परफेक्ट तरीके से असाइन हो गए। होम सर्विसेज ब्लॉग्स, ब्लॉग्स मुझे सर्विसेज के बाद चाहिए तो मैं यहाँ पे देता हूँ, फिर अबाउट अस, फिर अब आखिर में कॉन्टैक्ट अस आना चाहिए। सो ये परफेक्ट तरीके से मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया, तो मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ। तो ये मेन्यू एक्चुअली परफेक्ट तरीके से क्रिएट हो गया। अब मैं मैनेज लोकेशन पर आता हूँ, अब मैनेज लोकेशन पर आता हूँ
यहाँ पे देखें प्राइमरी मेन्यू, आपका प्राइमरी मेन्यू क्यों ऐसा होना चाहिए? मैं देखिए ऊपर वाला टॉप का मेन्यू ये बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा मेन मेन्यू, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, मेरा टॉप का मेन्यू कह रहा है आपका कौन सा होना चाहिए। ऐसे फूटर का भी मेन्यू होता है, मुझे अभी तक मैंने अपना प्राइमरी मेन्यू ही क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मेन मेन्यू अपना सेलेक्ट कर देता हूँ कि भाई जैसे मेरा टॉप में जो यहाँ पर मेन्यू शो होना है वो मेन मेन्यू होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मेन्यू शो, यहाँ पर मैं सेफ चेंजेस कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा मेन्यू शो हो रहा है परफेक्ट तरीके से, मेरा मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। होम, यहाँ पे सर्विसेज पे होवर कर, देखिए वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, ये ब्लॉग्स अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ये परफेक्ट तरीके से मेरे मेन्यू शो हो रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना मेन्यू क्रिएट किया, पेजेस क्रिएट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है हमारा मेन्यू क्रिएट करना। यहाँ पे आया, मैंने मेन्यू का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया। जब ये क्रिएट हो गया तो यहाँ पे इसने कहा कि भैया पेजेस यहाँ पे डालो अपने मेन्यू के अंदर। मैंने तमाम के तमाम पेजेस सेलेक्ट कर दिए, उसको ऐड टू मेन्यू कर दिया, फिर पेजेस के मैंने अलाइनमेंट सही की। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि यार कॉन्टैक्ट पहले आए, अबाउट बाद में, होम बाद में, सर्विस दरमियान में, वेब डेवलपमेंट उसके साथ लिखा है, मैं नहीं चाहता था, मैं उसकी अलाइनमेंट बेहतर करना चाहता था। तो मैंने होम टॉप पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके नीचे सर्विसेज के नीचे एक कदम आगे मैंने वेब डेवलपमेंट को ड्रॉप किया, बिकॉज वेब डेवलपमेंट इसका सब मेन्यू है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को इसका दोबारा मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मैं आप लोगों को इसको रिवाइज करवा दूंगा। ये वीडियो जब वो ख़त्म होगी तो आखिर में वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं सारा रिवाइज करवा दूंगा, ताकि जैसे न्यू जिनको इनकी समझ आ गई तो वो वीडियो ईजिली वॉच कर सके स्टार्टिंग में। तो मैं इसको फिर भी दोबारा सेव मेन्यू कर देता हूँ, तो मेरे मेन्यू सेव हो गए, इसको दोबारा रिफ्रेश कर तो कोई फर्क नहीं इस पर पड़ेगा। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा मेन्यू भी क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं आप लोगों को कैटेगरीज के मतलब बताता हूँ। मेन वीडियो तो हमारी अब कंप्लीट हो गई हुई है, आप चाहे तो इस वीडियो को अब यहाँ पे लीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये 20 मिनट्स के एटलीस्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरी कोशिश होगी, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए अगर आप लोग कैटेगरीज बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन आ रही होगी कैटेगरीज की, एक्चुअली हमने पेजेस अब तक डेवलप किए हैं, देखिए यहाँ पे कैटेगरीज की ऑप्शन आ रही है। आप चाहे तो अपनी कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैटेगरीज को एज अ नेवबार में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो आप पोस्ट क्रिएट करेंगे ब्लॉगर में, मतलब कि जो आप लोग अपना CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट होना, अपना ये मतलब कि वेबसाइट आप लोग क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोग अपनी ब्लॉग की पोस्ट्स क्रिएट कर सकें, ब्लॉग की पोस्ट्स कर सकें, पोस्ट कर सकें, आप लोग अपनी आर्टिकल्स लिख के, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कैटेगरीज असाइन करके उन पोस्ट्स को, वो हम लोग आके देखेंगे जब हम लोग अपने इस वेब डेवलप वर्डप्रेस कोर्स के सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे, तो हम लोग एक बड़ी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, मतलब कि मल्टी पेज वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, हम लोग ब्लॉग्स में पोस्ट को भी देखेंगे, हम लोग कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ग्रिड लाइन सिस्टम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इसको। वैसे मैं आप लोगों को एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज को आप लोग एज ए मेन्यू भी असाइन कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम लोग ये आगे देखेंगे। मैंने आप लोगों को छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी थी। अगर मैं यहाँ पर विजिट्स में आता हूँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं विजिट्स पर आता हूँ, देखें ये मेन साइड बार, अभी आई थिंक ये देखें यहाँ पे ये साइड बार यहाँ पे शो करें, ये विजिट्स का भी मैंने एक्चुअली आप लोगों को बताना था, आई थिंक इससे प्रीवियस वीडियो में शायद ही मैंने आप लोगों को विजिट का बताया होगा, मैं भूल गया हूँ। देखें यहाँ पे विजिट में एक्चुअली यहाँ पे साइड बार एंड ये रीड कमेंट्स शो करा है, मैं चाहता हूँ ये शो ना हो, एक्चुअली ये जो सब पेज यहाँ पे होम का क्लिक, मैं चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट ये पेज सेलेक्ट हुआ हो। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा होम, मैं चाहता हूँ जैसे मेरा पेज है ये डिफ़ॉल्ट, जैसे वेबसाइट लोड होता है ये होम उसी वक्त लोड है, ये डिफ़ॉल्ट ये ऑन हो, ये मेरा होम पेज। तो मैं करता हूँ इस पेज को मैं डिफ़ॉल्ट लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स पे आता हूँ, वह भी जाओ भाई यहाँ पे सेटिंग्स पे, ये रीडिंग्स पे, आई थिंक रीडिंग्स पे आना है, रीडिंग्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यस, ये स्टैटिक पेजेस, योर होम पेज डिस्प्लेज, आपका होम पेज का डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, किस पेज पे आप लोगों का होम का डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं स्टैटिक पेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे होम पेज, मुझे होम पेज चाहिए तो मैं होम सेलेक्ट कर देता हूँ। और ब्लॉग पोस्ट का पेज, फिलहाल तो हमने ब्लॉग पोस्ट को देखना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे ब्लॉग्स का पेज सेलेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो मेरे ब्लॉग्स पेज पे जाके शो होंगी, तो मैं इनको सेव सेटिंग्स कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरा होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो गया। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे ब्लॉग की पोस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को मैं एक पोस्ट क्रिएट करके अभी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉग का पेज मैंने सेलेक्ट किया पोस्ट्स के लिए, जो पोस्ट मैं क्रिएट करूँगा वो कहाँ पे शो होगी, मेरे ब्लॉग के पेज पे शो होगी। तो मैं पोस्ट यहाँ पे फिर भी आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जो अपना एज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो क्रिएट कर देता है, फिर भी मैं उसके लिए दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, वेब डेवलपमेंट लर्निंग, तो मैंने पोस्ट क्रिएट कर दी, एंड यहाँ पे आई थिंक इसके नीचे यहाँ पे ही मैंने पैराग्राफ लिखना है। वैसे मैं ज़्यादातर पोस्ट भी कभी कभी एलिमेंटर के थ्रू ही क्रिएट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसनात इज़ बेस्ट,
इज़ बेस्ट। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, तो मैं इसको सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे यस देखें, ये डॉक्यूमेंट पे आने आप इसकी फीचर इमेज दे सकते हैं, बिकॉज देखिए जो से आप लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं टॉप पे इस पोस्ट की इमेज भी आती है। तो आई थिंक मेरे पास एक इमेज पड़ी होगी, इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आई थिंक पड़ी होगी, यस ये वर्डप्रेस थीम्स एंड ये इमेजेस पड़ी हुई हैं CSS स्टाइलिंग, यस ये CSS के वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम भी रीनेम कर देता हूँ टाइटल का, यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट लर्निंग, यहाँ पे वर्डप्रेस लर्निंग लिख देता हूँ मैं, ज़रा अच्छा लगेगा काम। वर्डप्रेस लर्निंग ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कोई और चीज़। देखें यहाँ पे कैटेगरीज मांग रहा है कि आप भाई आपकी उनसे पोस्ट पर कोई कैटेगरी अटैच है कि नहीं है, यही मैं बात आप लोग कहना चाहता था कि आप लोग कैटेगरीज को एज ए नेबर समझ करते थे, जिस कैटेगरी फिर आप लोग क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के नाम की पोस्ट्स लोड हो जाएंगी, ये मैं आप लोग कहना चाहता था। फिलहाल तो मैं कोई कैटेगरी ऐड नहीं करने लगा, मैं इतना खपने लगा। वैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ मेन टॉपिक हमारा पेजेस का था, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए होम पेज पर तो हमारी ये नहीं शो होंगी पोस्ट्स, ये ब्लॉग पेज पर शो होंगी। देखिए यहाँ पर हमारी पोस्ट शो हो गई है, एंड ब्लॉग पेज को जब मैं क्रिएट कर रहा था मैंने वहाँ पे साइड बार को नो साइड बार को मैंने डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं किया था, दैट्स यहाँ पे साइड बार शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लॉग पेज में हमारा साइड बार शो हो, ताकि यहाँ पे जो सा दूसरी हमारी ये पोस्ट हैं वो यहाँ पे शो तो हो ना, ये रिकमेंड ये रिसेंट पोस्ट रिसेंट कमेंट्स रिसेंट पोस्ट यहाँ पे कम से कम शो तो ना, रिसेंट कमेंट्स नहीं रिसेंट पोस्ट। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ये वर्डप्रेस लर्निंग, अभी मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन दे रही है वर्डप्रेस लर्निंग अपने रिसेंट पोस्ट क्रिएट किया है। ऐसे आप चाहे तो पॉपुलर पोस्ट की भी यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। देखिए वर्डप्रेस लर्निंग पोस्ट का टाइटल है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक पेज ओपन हो गया, वहाँ पर मेरी पोस्ट शो होनी है। अब देखिए ये पोस्ट का टाइटल, ये लीव अ कमेंट या इनकॉर्पोरेट जो भी ये कैटेगरी एक्चुअली बता रहा है यहाँ पे, एंड बाय हसनाज मतलब कि ऑथर का नेम जिसने इसको पोस्ट को क्रिएट किया है हसनाज बैच, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट की। तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब देखें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे होम पेज में यहाँ पर होम का यहाँ पर नाम भी बता रहा है, यहाँ पर होम पेज का यहाँ पर नाम शो हो रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ लग रही है, मुझे नहीं चाहिए। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप जाए तो इसको नेम को डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पेज पे आता हूँ, मैं पेज पे आके ऑल पेजेस, ये 21 मिनट्स की वीडियो बन गई है, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ मैं, तो यह करना है आप लोगों ने यहाँ पे ये डिसेबल टाइटल, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर पेज का टाइटल जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। यस ये आप चाहिए तो फूटर को भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जब हम लोग पेज को इससे नेक्स्ट वीडियो से होनी है हमारे पेज की एक्चुअली कस्टमाइजेशन के ऊपर होनी है इंशाल्लाह, हाँ कस्टमाइजेशन के ऊपर ही होगी, बिकॉज कस्टमाइज करेंगे तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे ना, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने पेज की छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कस्टमाइज़ करेंगे। वैसे कस्टमाइजेशन ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए पेज की मतलब कि वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं पता होना चाहिए आपको, छोटी मोटी कस्टमाइजेशन लाजमी करेंगे, ये लोगो वगैरह चेंज करेंगे, होम के आइकन्स का कलर्स, यस कस्टमाइजेशन होनी है इसकी। तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो कस्टमाइजेशन के ऊपर रख लेते हैं, एंड इसे उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे, हम लोग ये ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद ही होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा, पहले कर लाजमी दबा देगा, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि पीपल जो हैं लोग हैं वो मेरी वीडियोस मेरे चैनल में एक्चुअली 400 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए हैं, 409 या 10 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे हो गए हैं, बट मेरे चैनल की जो वीडियोस पे व्यूज़ हैं ना, जैसे वर्डप्रेस की वीडियो पे जो व्यूज़ हो गए वो 100 भी मुश्किल से ही पहुँचते हैं दूसरी वीडियोज़ में, बिकॉज आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया। तो सो मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो एंड मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, जो मैं यहाँ पर लर्निंग मुझे भी पता चले कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। सो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किन किन लोगों को वीडियो पसंद आई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करेंगे एंड कुछ ऐसी ब्यूटीफुल सी वर्डप्रेस वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे। सो ओके हला हाफिज़, कोई मसला हो तो मुझे लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को लाजमी रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।